हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजंता क्रिएशन। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ शेख चिल्ली की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है ख्याली पुलाव। आइए शुरू करते हैं कहानी। शेख चिल्ली के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये सोचता ज़्यादा है और काम बहुत कम करता है। इसी के ऊपर हमारी आज की कहानी है। एक दिन मियाँ शेख चिल्ली सुबह सुबह बाजार पहुँच गए। बाजार से उसने ढेर सारे अंडे खरीदे और उन्हें एक टोकरी में जमा कर लिया। फिर टोकरी को अपने सिर पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते उसने ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया। शेख चिल्ली सोचने लगा कि जब इन अंडों से चूजे निकलेंगे तो वो उनका बहुत ध्यान रखेगा। फिर जब कुछ समय बाद ये चूजे मुर्गियां बन जाएंगी तो वो अंडे देना शुरू कर देंगी। मैं इन अंडों को बाजार में अच्छे दाम पर बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा। फिर जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। ढेर सारे पैसे आते ही मैं एक नौकर रखूंगा जो मेरे सारे काम करेगा। इसके बाद वह अपने लिए बहुत बड़ा घर बनवाएगा। उस आलीशान घर में हर तरह की सुख सुविधाएं होंगी। उस आलीशान घर में एक कमरा सिर्फ खाने के लिए होगा, एक कमरा आराम करने के लिए होगा और एक कमरा बैठने के लिए होगा। जब मेरे पास हर तरह की सुख सुविधा हो जाएंगी तो मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर लूँगा। मैं अपनी पत्नी के लिए भी अलग से एक नौकर रखूँगा। अपनी पत्नी को समय समय पर महंगे कपड़े और गहने लाकर दूंगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे भी होंगे जिन्हें मैं बहुत प्यार करूंगा और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी अच्छे घर में शादी करवा दूंगा। फिर उनके भी बच्चे होंगे जिनके साथ मैं दिन भर बस खेलता ही रहूंगा। इन्हीं सब ख्यालों में गुम शेख चिल्ली मदमस्त होकर चले जा रहा था कि तभी उसका पैर रास्ते में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकराया और अंडों से भरी टोकरी के साथ धड़ाम से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही सारे अंडे टूट गए और उसी के साथ शेख चिल्ली का सपना भी टूटकर बिखर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ योजना बनाने या सपने देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत करना भी ज़रूरी है। साथ ही पूरा फोकस वर्तमान समय पर होना चाहिए, वरना शेख चिल्ली की तरह सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने में हमेशा नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।